मैं वहाँ पे गाड़ी में जा रहा था वाका गांव के पास, तो वहाँ पे एक थोड़ा किसान था, 55-60 साल का होगा, वो ऐसा बैठा हुआ था जमीन के नज़दीक, एक छोटा पत्थर था उसके ऊपर बैठा था। मैंने बोला गाड़ी रोको जरा, मिलते हैं किसान को। तो गित्ते महाराज थे, बहुत आदर्शवादी, बहुत अच्छे थे। तो मैंने थोड़ी बातें की, क्या करते हो क्या नहीं, तो फिर वो रोने लगे। बोले मेरा इतना नुकसान हो गया है कि मैं सोच रहा हूँ आज मैं सुसाइड करूँगा। तो मैं एकदम चौंक गया कि ऐसा कोई मुझे मिला जो आत्महत्या उसी दिन करने का सोच रहा था। तो मैंने उसका हाथ पकड़ के उससे बात करना शुरू किया और सारी बात को समझा। फिर मैंने बोला फल के पेड़ क्यों नहीं लगाते, मैं आपको देता हूँ। मेरे पास भी दो विकल्प थे, उसको शायद 30-40 हज़ार का उसके ऊपर लोन था जो चुका नहीं पा रहा था, और 30-40 हज़ार के लिए वो सुसाइड करने को सोच रहा था। उसकी एक बेटी थी, उसका पूरा परिवार था। तो मैंने कहा कि मेरे पास दो विकल्प थे, उसको 30 हज़ार दे दूं, लेकिन ऐसे तो बहुत लोग हैं, कितने को मैं पैसे दूंगा, और एक बार पैसे दिए वापस क्या होगा। तो मैंने उसको कहा मैं तुझे सीताफल का पेड़ देता हूँ, तू यहाँ पे पूरी बाग कर, जब कमाएगा तब मुझे वापस दे देना। तो बोले तो आपके हाथ से ही करवाते हैं। तो दूसरे दिन हमने खड्डा किया और मैंने सीताफल का पेड़ लगाया। आज आप वहाँ पे जाओगे वो लखपति बन गया है, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई है। तो एक कितना छोटा सा बात है और एक आदमी का प्राण उसकी जिंदगी बचा सकता है, ये हमने देखा। आज आप गित्ते महाराज को मिलिए, वो इतना खुश है।